हम इस बात की अपेक्षा करते थे कि राहुल गांधी जिस तरह से घृणा और नफरत फैलाने का भाषण हिंदुस्तान में देते हैं, जो तथ्यों पर आधारित नहीं होता है, तो जब वो विदेश जाएंगे तो कम से कम एक बात की चिंता करेंगे कि हम भारत के पॉलिटिकल डिफरेंसेस को विदेश में नहीं बताते हैं। उनको अपनी पार्टी की बात कहने का अधिकार है, लेकिन राहुल गांधी का पूरा भाषण जो उन्होंने बहरीन में दिया, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडियन ऑरिजिन, वो हमारे सामने है। आज ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि प्रवासी भारतीयों का सम्मेलन दिल्ली में हो रहा है और एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण था कि भारत के करोड़ों की संख्या में डिस्पोरा वर्ल्ड ओवर में है, जिसमें 270 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं वेरियस कंट्रीज में, उन्होंने भारत का मान किस तरह से बढ़ाया है और भारत के साथ दुनिया के संबंध अच्छे बने, इस उन्होंने क्या काम किया और आगे क्या काम करना चाहिए। और एक तरफ राहुल गांधी का भाषण है जो 8 जनवरी को हुआ है पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन में, उसके पर एक पैराग्राफ आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। द ट्रेजेडी इज दैट इंस्टेड ऑफ फोकसिंग द अटेंशन ऑफ आवर पीपल ऑन व्हाट इज क्रिटिकल, द रिमूवल ऑफ प्रॉपर्टी पॉवर्टी, जॉब क्रिएशन एंड बिल्डिंग ऑफ वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम, वी सी इंस्टेड अ राइज इन द फोर्सेस ऑफ हेट्रेड एंड डिविजन। Instead of accepting that we are struggling to create jobs, instead of uniting people together, all communities and religions to face the challenge, the government is busy converting the fear being generated in our jobless youth into hatred between the communities. उन्होंने घृणा और नफरत फैलाने के लिए हमारी सरकार पर आरोप लगाया विदेश के कार्यक्रम में, और बाकी उन्होंने कई बातें कही हैं जो सामान्यतः अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नहीं कही जाती जब आप विदेश जाते हैं। राहुल गांधी जी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। तीन तलाक पर आपकी पार्टी ने जो स्टैंड लिया, वो क्या प्यार फैलाने वाला स्टैंड था या नफरत फैलाने वाला स्टैंड था? जो कांग्रेस पार्टी नारी न्याय, नारी गरिमा और नारी सम्मान पर भी एक स्टैंड नहीं ले सकती, वो विदेश में हमारी सरकार को सिखाने का काम कर रही है। जो राहुल गांधी, जो उनके पिताजी ने 1986 में पाप किया था कि मात्र 174 रुपये शाबानों को मिले थे मेंटेनेंस में, उसको भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दबाव में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उनके लोकप्रिय पिताजी 400 एमपी का बहुमत, उसको भी समाप्त कराया गया और यही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा सिर्फ 3 महीना इद्दत पीरियड के लिए उनको मेंटेनेंस मिलना चाहिए। राहुल गांधी जी, आज जब लोकसभा में आपकी पार्टी का एक स्टैंड था, वही स्टैंड दूसरा स्टैंड राज्यसभा में लिया गया, तो ये नफरत और घृणा की राजनीति थी या नहीं, इसका जवाब राजीव गांधी दें। राहुल गांधी दें, वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। ये जो कांग्रेस के दोहरे मानदंड हैं, वोट बैंक पॉलिटिक्स से प्रभावित, शुद्ध रूप से नारी गरिमा के सवाल पर भी जो पार्टी 31 साल के बाद भी कट्टरपंथियों से ऊपर नहीं निकल सकती, वो बहरीन में हमें उपदेश दे रही है। तो इससे बड़ी कोई विडंबना हो नहीं सकती। The BJP condemns this irresponsible utterance of Rahul Gandhi before a global interaction and conference as claimed by him. हम इसकी भयंकर आलोचना करते हैं। और राहुल गांधी को मैं बताना चाहता हूं, कई बार उन्होंने गलत बातें कही, बार बार चुनाव हारे हैं, उसके बावजूद भी मेरे ख्याल में पार्टी की ओर से कई बार कहा गया है कि अगर 4 लाख करोड़, लगभग 9 करोड़
देशवासियों को मुद्रा में दिए गए और उसमें अगर आधे लोगों जिसमें कि 50% फर्स्ट टाइम थे तो उसमें तो लगभग 5-6 करोड़ नौकरी तो उसी में मिली है अगर एक को ऐड किया गया। मैंने पहले भी आपसे कभी चर्चा की है कि आप देखें सड़कें अधिक बन रही हैं, सड़कें अधिक बन रही हैं तो अधिक लोगों को नौकरी मिल रही है। आज भारत के आईटी सेक्टर में लगभग 40 लाख लोग डायरेक्टली काम करते हैं और 1 करोड़ 35-40 लाख लोग इनडायरेक्टली काम करते हैं। आज छोटे शहरों में बीपीओ आ रहा है, आपने सुना होगा, जिसमें मुजफ्फरपुर है, पटना है, जिसमें बरेली है, लखनऊ है, इलाहाबाद है, सांगली है और आपके औरंगाबाद है, छोटे त्रिचुरापल्ली, त्रिची, वेल्लोर, जहां कोई कल्पना नहीं करता था। आज हमारे कॉमन सर्विस सेंटर 2,70,000 हैं, जो पहले 80,000 थे उसमें 10 लाख लोग काम कर रहे हैं, 40,000 महिलाएं। पहले जब हमारी सरकार आई थी तो सिर्फ 2 मोबाइल की फैक्ट्री थी, आज 108 हो गई है, इसमें 3.5 लाख लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम कर रहे हैं, बाकी क्षेत्रों में काम हो रहा है। तो राहुल गांधी को न काम दिखाई पड़ता है न जानने की कोशिश करते हैं और विदेश जाकर घृणा और नफरत का भाव फैलाते हैं। तो मुझे लगा कि पार्टी की ओर से बताना जरूरी है। आज तक उनकी सरकार ने जिस तरह से पीएफआई का काम चल रहा है, कर्नाटक में जो पीपुल्स फ्रंट की जड़ें फैल रही हैं, उसके बारे में कभी कुछ कहा गया है क्या? आज जिस तरह से उन्होंने गुजरात में जातिवाद को आगे बढ़ाने की कोशिश की और वहां के उनके कंधों से उपजे हुए लोग, मोहम्मद खालिद है ना उनके साथ, उमर खालिद के साथ दिल्ली में भी बात कर रहे हैं और महाराष्ट्र में भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ये वही है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और उनके सहयोगियों को मजबूती दी है राहुल गांधी ने उनकी पार्टी ने। तो देश को तोड़ने का काम कौन कर रहा है ये पिछले एक महीने में दिखाई पड़ रहा है। और हमारे संघ के स्वयंसेवक जब कर्नाटका में हमलों में घायल होते हैं और केरल में मारे जाते हैं तब राहुल गांधी को कोई इसमें घृणा दिखाई नहीं पड़ती है क्या? ये बड़े सवाल है, इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। और हम बड़ी विनम्रता से कहेंगे भारत में सबसे लंबी घृणा की राजनीति, समुदाय पे नफरत की राजनीति कांग्रेस पार्टी ने की है। और अगर शाहबानों से लेकर सायरा बानो तक, क्योंकि सायरा बानो सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक पे पिटिशनर थे, आपको पता है, जो सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया, तो शाहबानों से सायरा बानो तक 31 साल में अगर कांग्रेस ने अपना तुष्टीकरण और कट्टरपंथियों के सामने झुकने का रवैया नहीं बदला, ये साफ बताता है घृणा की पॉलिटिक्स कौन करते हैं। तो मित्रों, मुझे लगा कि ये विषय आपके सामने रखना चाहिए। अब राहुल गांधी ने वहां एक और बात कही है जिससे कहा कि मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि चीन में भारत से जल्दी काम होता है। उनका चीन का प्यार भी अपने आप में बड़े रोचक सवाल खड़ा करता है। मैं राहुल गांधी से एक ही बात कहूंगा कि इकोनॉमिस्ट मैगजीन के दिसंबर के इश्यू को पढ़ना चाहिए, जिसमें वो हर साल के लिए अपना प्रेडिक्शन बताते हैं कि दुनिया में किस देश की आर्थिक अवस्था क्या होने वाली है। उन्होंने पहली बार ये कहा कि भारत ईमानदारी से शासन चलता है, मोदी जी की अगुवाई में इंडिया एक इकोनॉमिक पावर हाउस बन रहा है और आने वाले 2 वर्षों में इट विल ओवरटेक चाइना। तो अगर राहुल गांधी थोड़ा होमवर्क करते या उनके साथ ही होमवर्क करते तो इस तरह की बातें वो विदेश में नहीं कहते।